क्लास में हमने इस न्यू कंपनी का डिजाइन किया था, लेकिन उसमें एक मसला हमारे पास चल रहा था फाइल अपलोड करने का, इस टेम्पलेट का, क्योंकि वो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास काम नहीं करता था। तो उस वजह से फिर हमने जो है उसको छोड़ दिया उस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। सो यहाँ पर हमने इसको चेक किया, लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं करते, तो इसको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। और एक अल्टरनेटिव हमारे पास जो HTML का जो नॉर्मल जो फाइल अपलोडर है उसको हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है HTTP पोस्ट फाइल बेस एक प्रॉपर्टी है, उसको हम है ऐड करेंगे इनसाइड इन द कंपनी। सो नाउ पहले जो है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और जो है इसको जो है कलेक्ट करें यहाँ पर, और मॉडल जो है मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास कंपनी है, तो कंपनी की जो लोगो है इसके नीचे मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और ये नॉट मैप का मतलब ये है कि ये डेटाबेस के साथ जो है ये मैप नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें जो है इस मैप वगैरह की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रहा है कि वहाँ पर जो है ऑलरेडी ये डेटाबेस के साथ हमने तो इसको कनेक्ट किया नहीं है। लेकिन अगर हम फिर इससे ही डेटाबेस बनाएंगे इस टेबल से, तो फिर हमें ये मतलब जहन में रखना चाहिए कि ये इसके साथ मैप नहीं है, ठीक है, मतलब ये डेटाबेस का, ये जो डेटाबेस का फील्ड नहीं है ये फोटो फाइल, ये जस्ट मतलब गेटिंग का फाइल है, मतलब जस्ट यूज़र से जो है वैल्यू गेट करते हैं, फिर इसमें हम वो पाथ जो है यहाँ पर स्टोर करते हैं और यहाँ पर इसको सेट करते हैं। तो ये हमारे पास था वो फोटो फाइल, यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया। बाकी अगर नॉट मैप यहाँ पर आप लोग इसमें लिखना चाहते हो तो लिख लो, मसला नहीं है, इसको भी यहाँ पर ऐड कर दो और इसको भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। तो इसको हमने यहाँ पर कंपनी में ऐड कर दिया, इसके थ्रू हम फोटो मतलब इसके लोगों को जो है वो हम यहाँ पर सेव करेंगे, और इसको अब हम सेव करते हैं, चलते हैं हम न्यू कंपनी की तरफ, और यहाँ पर वो फील्ड जो है हम यहाँ पर लेकर आते हैं, सो नाउ कॉपी दिस कोड और फिर हम इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पर एक एरर मिलेगा कि ये फोटो फाइल जो है ये यहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि हमें यहाँ पर इसमें एक मॉडल को क्रिएट करना है, एट द राइट मॉडल, इसके लिए मैं और अलग मॉडल बनाऊंगा, ये मॉडल सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टेम्पररी बेस पे जो है मैं कंपनी MV यहाँ पर ऐड करता हूँ। चलिए यहाँ पर जो है पूरा पाथ इसको सेट करें, तो ERP.models एंड इन स्पेस को रिमूव कर दो, तो ये हमारे पास यहाँ पर एड हो गया। तो अब ये एरर भी जो है ये ख़त्म हो जाएगा कि हाँ अब ये फाइल है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर अब फाइल सेलेक्ट का जो है यहाँ पर वो ऐड हो गया। तो अब हमें इसको रन करने के हमें पता चल जाए कि इसका डिज़ाइन यहाँ पर, इसका लुक जो है वो कैसे लग रहा है। सो नाउ रन द एप्लीकेशन एंड सी द डिज़ाइन कि ये हमारे पास जो है यहाँ पर सही हो गया कि नहीं। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिफ्रेंस नॉट, चलो इसको कंटिन्यू कर दें, मसला नहीं है। अब यहाँ पर हमें डेटा चाहिए, सो नाउ ए और इसको भी यहाँ पर सेट कर दें, फिर नेक्स्ट इसको भी फिल कर दें, फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये चूज फाइल, यहाँ से मैं इस फाइल को सेलेक्ट कर दूँ चाहे जिधर भी लोगो हो, डेस्कटॉप पे मैं चलता हूँ और इसको जो है यहाँ पर इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये फाइल हमारे पास जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, शो तो नहीं हो रहा है यहाँ पर लेकिन सेलेक्ट हो गया। तो जब मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर भी मुझे जो है वो डेटा चाहिए, ये फाइल है इधर। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पर इसको एक रिमेंट को जो है वो चेक कर दूंगा और फिर उसके बाद जो है फाइनलाइज कर दूंगा, तो यहाँ पर सबमिट जो है यहाँ पर हो जाएगा और ये डेटा डेटाबेस को जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो चलते हैं इसके लिए एक मॉडल्स बनाते हैं जिसमें हमारे पास ये दो तीन फील्ड हो, फिर ये प्रोफाइल हो, फिर ये कंपनी और फिर ये हो। तो पहले हमें जाना है डेटाबेस में कि डेटाबेस में हमारे पास जो है कैसे कैसे जो है यूज़र की कौन कौन सी फील्ड है, फिर हमारे पास जो है इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास कितनी है मतलब कौन से है, और फिर यहाँ पर कंपनी प्रोफाइल में हमारे पास जो जो फील्ड है वो, इन द फाइनल स्टेप इज यहाँ पर फिनिश। तो यहाँ पर पहले अकाउंट, सो नाउ क्लिक ऑन दिस SQL ब्राउज SQL सर्वर, कनेक्ट दिस टू द डेटाबेस एंड फर्स्ट चेक इन कन्फर्म द कंपनी यूजर टेबल। सो ओपन दिस देन यूजर हमारे पास जो है इसका,
अच्छा यूजर का, हमारे पास यूजर टाइप वो तो ऑलरेडी कंफर्म है कि ये सुपर एडमिन होगा, मतलब कंपनी का जो है हेड ऑफिस का यूजर होगा ये। फिर उसके बाद यहाँ पर है फुल नेम, वो ऑलरेडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम से जो है हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है ओके, सो फर्स्ट हमें इन जो है, तो हमें उधर फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी है, उधर ईमेल भी है, कॉन्टेक्ट नंबर है उधर। चलिए इसको चेक करें, यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर हमें इस प्रोफाइल में हमें यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट नंबर भी डालना है यहाँ पर। तो चलिए इस कॉन्टेक्ट नंबर को यहाँ पर ऐड कर दें, बिफोर दिस ईमेल जो है हमें, या बिलो दिस लास्ट नेम हमें इसको यहाँ पर ऐड करना है। सो नाउ कॉन्टेक्ट नंबर, और इसको भी आपको ये सर नेम वगैरह लग के इसको, खैर इसको हम अपडेट करेंगे वो मसला नहीं है। इसको यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर स्पेलिंग आपको सही लिखना है, ठीक है। इधर इधर आपको स्पेलिंग सही लिखना है, क्योंकि फिर ये कोड कोई और भी यूज़ करेगा, इसमें अपडेशन भी करेगा, तो इन चीज़ों को आपको सही लिखना है। और बाकी जो है वैसे बड़े बड़े स्पेलिंग जो है वो वैसे भी हमको नहीं आते, ठीक है। सो नाउ कॉन्टेक्ट नंबर, वो इसमें काफ़ी इशू होते हैं, तो फिर उसका हम शॉर्टकट लिखते हैं, जैसे लेबल का एल बी एल लिखते हैं, बटन का बी टी एन लिखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का जो है टी एक्स टी बॉक्स लिखते हैं। तो इस तरह से जो है ऑलरेडी हमने शॉर्टकट इसका बनाए हुए, तो इसलिए स्पेलिंग का जो है मसला होता है, लेकिन फिर भी आपको इन स्टैंडर्ड्स को जो है याद रखना है। ये स्टैंडर्ड्स मेरा नहीं है, ये जो हमने जिससे सीखा है उनका है, और जो हमने मतलब यूट्यूब पे जो है स्टडी किया है कि बेस प्रोग्राम प्रैक्टिस क्या चीज़ होते हैं, जो डिटेल्स का बुक्स आप स्टडी करोगे रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग जितनी भी है कंप्यूटर साइंस, उसमें सब में जो है आपको ये बताया जाएगा कि आपको जो है लंबा जो स्पेलिंग है मतलब ज़्यादा लॉन्ग जो होता है उसको आपको शॉर्टकट बनाना है, और इसका कैसे शॉर्टकट बनाना है वो तरीका आपको सिखाएगा। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बटन का बी डी एन, एल बी एल का एल बी एल, चेकबॉक्स का सी एच के, इसी तरह से यूज़ हो शॉर्टकट है ना, ये फिर आपको पता चल जाएगा। खैर वैसे भी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, आप भी यूज़ करोगे, फिर आप लोगों की आदत बन जाएगी। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर इसका मैंने ले लिया, चलो अब ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो कौन सा है, कॉन्टेक्ट यूजर नेम भी है, पासवर्ड भी है, और इज एक्टिव जो है वो तो वैसे बाई डिफॉल्ट हम फॉल्स डालेंगे क्योंकि अंडर रिव्यू के लिए। और अब कंपनी गए तो कंपनी का तो यूजर नेम और लोगो है, तो इट्स मीन्स के जो फील्ड थे वो यहाँ पर पूरा हो चुके हैं। सो लेट्स एंड इम्प्लीमेंट ऑल दिस फील्ड, पहले हमें यहाँ पर जो है प्रॉपर इसकी नाम यहाँ पे रखना है, जो यहाँ पर डेटाबेस में मैंने आपको बताया है, या आपको डेटाबेस से यहाँ से नाम कॉपी करना है, या आपको मॉडल से कॉपी करना है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम रखना है, ठीक है। स्मॉल कैपिटल फर्क रखना है, लेकिन इसका नाम जो है वो आपको सेम रखना है, क्योंकि फिर आपको जो है वो मसला नहीं होगा। तो चलिए मैं इनको इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से ही ईमेल, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ईमेल हमारे पास किधर है, ये हमारे पास है इधर, ये ईमेल बस माल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एड्रेस है हमारे पास इधर, एड्रेस यहाँ पर नहीं है, अब एड्रेस नहीं है हमारे पास, तो चलिए यूजर का एड्रेस भी सेट कर से राइट क्लिक करते हैं, एम्प्लॉय में है एड्रेस, लेकिन खैर चलो इसका भी एड्रेस सेट कर दे, डिजाइन में चलते और उसका एड्रेस यहाँ पर हम ऐड करते हैं, इन वर्चर और यहाँ पर करते हैं 250, इसका एड्रेस सेट कर दो और इसका जो है वो ख़त्म कर दो, राइट क्लिक करो और इसको सेव कर। अब हमें जो है इसको डेटाबेस में कैसे चेंज करना है, अच्छा मींस इसमें एक यूज़र हमने जो है ऐड किया हुआ है, तो चलिए उसको एम्प्टी ही मार्क कर दो, वहाँ से हम इसको सेट कर देंगे। तो चलिए यूज़र में जो है इस एडिट में जाओ और यहाँ पर इसका एक एड्रेस एंटर करो कि सदर रोड, इसका बस मींस ये हमने इसका एड्रेस डाल दिया, ठीक है। अब दोबारा जाए और इसको अनचेक करें क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। अब ये चेंजेस हमारे पास डेटाबेस साइड पे हो जाएगी, तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको डेटा मॉडल भी जो है वो एंट्री डेटा मॉडल जो है ना उसको भी अपडेट करना है। इसने तो काफी टाइम लगा दिया यार, अपडेट हो चुका है। सो नाउ ओपन द एप्लीकेशन, गो टू द एंटिटी डेटा मॉडल एंड नाउ क्लिक हियर बिजनेस सीआरपी मॉडल। सो वंस यू क्लिक हियर और ये कम्प्लीटली
सक्सेसफुली ओपन हो जाए तो देन राइट क्लिक हेयर एंड गो टू द अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस और यहाँ पर रिफ्रेश कर। अच्छा मैं भी आपको एक डेमो देता हूँ, जो नीचे हमने मॉडल्स बनाए ना वो क्यों हमने बनाए मैं उसके एक डेमो आपको देता हूँ। ये यहाँ पर चलिए मैं एक इस एक्टिविटी में यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ। ये हमारे पास रिक्वायर्ड है, क्या हमारे पास ये रिक्वायर्ड है और इसमें मैं एक एरर मैसेज भी शो करता हूँ इज इक्वल टू रिक्वायर्ड और फिर स्टेरिक और यहाँ से जो है कंट्रोल स्पेस सॉरी यहाँ से जो है अल्ट एंटर प्रेस करें तो आपको जो सजेशन मिल जाएगी। इसका नेम स्पेस जो है वो सेव कर, इसको मैं सेव करता हूँ, एप्लीकेशन को स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ से इसको जो है अपडेट करता हूँ। अभी ऑलरेडी हमने जो है इसमें जो है एक अपडेशन कर दिया कस्टमाइजेशन, लेकिन इधर कर दिया। अब चलिए मैं इसको अपडेट करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश पे चलता हूँ और सिर्फ इस टेबल में जाता हूँ जो यूजर है हमारे पास, इसको सेलेक्ट करो, इसको खाली सिर्फ इसको अपडेट करो फिनिश। अब यहाँ पर यूजर को फाइंड करो, यूजर हमारे पास किधर है, ये हमारे पास यूजर। अब ये देखो एड्रेस हमारे पास आ चुका है, सो नाउ राइट क्लिक किया एंड सेव द चेंजेस। तो जब आप चेंजेस करोगे तो फिर चेक करते हैं इसको के इस में जो है वो चेंजेस जो हमने किया है वो है कि नहीं। ये तो हम सिर्फ एक टेबल में तो नहीं करते, ये तो हम सारे टेबल्स में करते हैं, देखो यहाँ पर नहीं है वो, इसलिए हमने वो मॉडल्स बनाए कि हम जो चेंजेस करें वो ड्यूरिंग अपडेटिंग द एंट्री इन द मॉडल ख़त्म ना हो जाए। अब आपको पता चल गया कि किस वजह से हमने वो मॉडल्स बनाए, उसका असल वजह ये था कि हम ये दोबारा ना करें। अगर दोबारा हम इसमें बार बार ये करेंगे तो ये तो काफ़ी मसला हो जाएगा, इसलिए मैंने अल्टरनेट में यहाँ पर मॉडल्स दे लिया। अब सिंपल है हमारे पास, यहाँ पर TBL यूजर में जाओ, यहाँ से एक कॉलम जो है यहाँ से कॉपी करो एड्रेस का सिंपल, और फिर यहाँ पर दोबारा इस यूजर पे और यहाँ पर इसको पेस्ट करो, नीचे करो ऊपर करो कोई मसला नहीं है, ठीक है बस पेस्ट करो इसमें और इसको सेव करो यहाँ पर। अच्छा अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले हमें यहाँ पर जो है इसके जो है यहाँ पर नीचे पब्लिक पब्लिक के बाद जो है हमें स्ट्रिंग और यहाँ पर लिखना है यूजर टाइप गेट और सेट, और हमें जितनी चेंजेस की जरूरत पड़ेगी बस उतनी हम करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी इसका वेरिफिकेशन हमने उधर किया हुआ है तो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड और डिस्प्ले वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, जिधर जरूरत पड़ेगा बस यहाँ पर उसके लिए हम चेंज करेंगे। तो ये यूजर हमारे पास, अब इस यूजर में हमारे पास क्या चाहिए, एक जो है यहाँ पर मतलब कंपनी का जो है डिटेल भी चाहिए, क्या वो कंपनी का डिटेल भी यहाँ पर रिट्रीव करें, ये देखो। लेकिन चलिए मैं इसको जो है इसको मैं करता हूँ पैरामीटर से, लेकिन पैरामीटर के बजाय मैं यहाँ पर एक और व्यू बना दूँ तो बेहतर होगा, फिर उसके लिए अलग अलग हमें फील्ड बनाना पड़ेगा। अच्छा चलिए मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर कि अब इसके लिए जो फील्ड हमने लिया हुआ है इसका नेम्स, ये हमारे पास यूजर नेम है, इसको कॉपी करें यहाँ पर भी पेस्ट करें यूजर नेम, ये पासवर्ड है इसको भी यहाँ पर पेस्ट करें, ये रिटाइप इसको छोड़ दो बस। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेम है तो फर्स्ट नेम, चलिए फर्स्ट नेम लिख दिया, यहाँ पर भी फर्स्ट नेम लिख दिया, इसका नाम जो है आपको सेम रखना है, और यहाँ पर जो है ये हमारे पास है लास्ट नेम, और यहाँ पर भी लास्ट नेम, और यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर, ये ईमेल, यहाँ पर एड्रेस, और फिर कंपनी का जो है कंपनी नेम, और यहाँ पर जो है ये तो वैसे भी इस मॉडल में हमारे पास जो है ये आ जाएगा, ठीक है। तो कंपनी MV ओके, सो नाउ अब यहाँ पर हमें इसको जो है वो पैरामीटर के हिसाब से जो है हमें इसको सेट करना है, तो चलते हैं हम कंपनी में और यहाँ पर एक और मेथड हम बनाते हैं पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और एक्शन रिजल्ट के बाद हमें न्यू कंपनी और
न्यूकम ने हमें ये मेथड जो है ये बनाना है हमें क्योंकि इसकी जो पैरामीटर है वो हम जो है उसके साथ जो है लिंक करेंगे। तो अगर इसको हम ना भी बना दें जैसे HTTP पोस्ट हो तब भी ये काम करेगा, लेकिन इसको इजीली हम मार्क करेंगे क्योंकि ऊपर जो मेथड है उसका नाम ये नाम जो है ये सेम है। तो चलिए यहाँ पर मैं न्यू कंपनी ये नाम लिखता हूँ और फिर उसमें जो है स्ट्रिंग के नाम से यूज़र नेम, फिर स्ट्रिंग के नाम से जो है पासवर्ड ऑलरेडी उधर है जो पासवर्ड, और स्ट्रिंग के नाम से फिर हमारे पास जो है वो कन्फर्म पासवर्ड को छोड़ दो, ऑलरेडी वैसे भी उधर चेक होता है, और ये स्ट्रिंग पासवर्ड और स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, फिर स्ट्रिंग लास्ट नेम, फिर स्ट्रिंग ईमेल, ईमेल नहीं कॉन्टेक्ट नंबर है, फिर उसके बाद स्ट्रिंग ईमेल, फिर स्ट्रिंग एड्रेस और स्ट्रिंग कंपनी नेम, और अभी तो चलिए वो मॉडल में जो है हमारे पास आ जाएगा, या उसको भी मैं एक नाम देता हूँ। न्यू कंपनी में जाता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसको भी मार्क करता हूँ ये, अच्छा इसको भी मार्क करते हैं यहाँ पर मॉडल फोटो फाइल, और ये उसका आईडी हम यहाँ पर लेते हैं इसमें इसके इनसाइड एट आईडी इज इक्वल टू, और यहाँ पर फाइल नेम कॉमा विद राइट नेम इज इक्वल टू फाइल नेम। ये जो मॉडल है इसका ये इसके साथ ही सबमिट होता है, तो चलिए चेक करते हैं अगर कोई मसला कोई इशू फिर हो गया तो फिर सेट करेंगे इसको भी। तो इसका मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसका नाम और इसका पैरामीटर अब हमें कैसा लेना है ये लास्ट में हमारे पास, तो चलिए इसका नाम यहाँ पर डाल दे, और इसकी जो यूजर नहीं कंपनी हमारे पास किधर है कंपनी MV इसमें जो नीचे इसका जो टाइप है उसको यहाँ से कॉपी करें और उसके यहाँ से स्पेस लगा ले, ठीक है। तो ये हमारे पास अब जो है कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ अब इसके लिए हमें क्रिएट करना है, अगर इसका नाम आप अलग अलग भी रख देना तो मसला नहीं है, अगर पैरामीटर से आप काम कर मीन्स अगर न्यू कंपनी और यहाँ से मैं इसको कर दूँ क्या रजिस्टर्ड करो इस यहाँ पर, ठीक है, तो मसला नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी हम उसको ये बताएंगे कि ये एक पोस्ट मेथड है और उसमें ये पैरामीटर है आपके इसको सबमिट करने, हम इसको ऐसे ही दिखा मतलब उधर शो करेंगे। अब अगर ऐसा शो भी ना भी करें तो मसला नहीं है, यहाँ से हमें रिटर्न व्यू में जाना है। अच्छा अब यहाँ पर हमें ब्रेकर को सेट करना है और बाकी इसका नाम जो है यहाँ से कॉपी करना है और जाना है न्यू कंपनी में, और इस यहाँ पर एक फॉर्म होगा हमारे पास जिधर भी होगा इसको फाइंड करो, इसको कन्वर्ट करो किस चीज़ में एट द राइट यूजिंग, और यहाँ पर स्पेस में ब्रैकेट और फिर HTML.beginForm, और इसके बाद यहाँ पर जो एक्शन में आपको डालना है इसको जिस एक्शन पे आपको जाना है, कंट्रोलर हमारे पास जो है वो कंपनी है और कॉमा जो है वो फॉर्म मेथड जो है फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट है वो, ठीक है। अगर फॉर्म मेथड आपको सेट भी नहीं करना है तो जैसे आपकी मर्जी, ठीक है, और यहाँ पर इसको बिगिन करते हैं और फिर नीचे हमें आने हैं यहाँ तक, और जो फॉर्म है हमारे पास इसको इसमें क्लोज करना, और इसी तरह से हमें इसका जो है वो इस फॉर्म का एक्शन वगैरह के लिए बस इसको क्लोज करें, इसमें एक्शन वगैरह हमारे पास किसी भी नहीं है, तो इसको ख़त्म करें यहाँ से। तो ये हमारे पास हो चुका है, इसको सेव करें एक बार और देखते हैं कि इससे जो डेटा है वो डेटा बेस में चलते हैं कि नहीं, मतलब इस कंट्रोलर में आते हैं कि नहीं। तो पहले इसको रन करते और इसका जो है टेस्ट लेते हैं कि इसका जो डेटा है वो व्यू से हमारे पास इधर आता है कि नहीं। So now waiting to run the application. Okay, application हमारे पास रन हो चुका है।
अब हमें क्या करना है, उस पर हमने वैलिडेशंस भी नहीं लगाए, तो चलिए बस ऐसे ही रन कर दे, लॉगिन की चलिए बस रन कर दिए, मसला नहीं है। अच्छा अब इस पर क्या हो गया, चलो पहले इसमें डेटा डाल दो, क्या डेटा जाते हैं क्या, नहीं तो डिजाइन का इशू नहीं है। अभी फाइनलाइज बटन की तरह किया, चलो एंटर कर दो, एंटर भी नहीं हो रहा है। अच्छा सब चीजें यहां पर भी सही है, इसको भी यहां से खत्म करो, इसकी हमें जरूरत नहीं है। और यहाँ पर कौन सी फील्ड्स हमने ऐड किया है, इसको ऐड किया था हमने, चलो इसको भी खत्म कर दो यहाँ से, अब तक तो ये सही था, इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। चलिए इसको सेट करते हैं, यहाँ से कम जो है हमेशा जो है बस एक एम्प्टी जो है इसको पास करें, ठीक है। वॉर वॉर और यहाँ से करें मॉडल, चलिए मॉडल के नाम से लिख दिया न्यू, यहाँ से कंपनी व्यू से कंपनी एमवी, इसका ऑब्जेक्ट बना दे और इसके बाद मॉडल, और राइट क्लिक करें इसका, और इसका जो है वो एक कंपनी एमवी है, चलिए इसका जो है वो पर सेव कर इसके बाद रन करते हैं, देखते हैं कि इसमें कोई इशू तो नहीं आता है। स्लैश और न्यू कंपनी, राइट क्लिक कर दे इसको, चेक कर दे कि अभी इसमें यहाँ पर क्या इशू चल रहा है, कंसोल में इसको छोड़ दो, सही चीजें तो चल रही है यार इधर।